सीरियल पंड्या स्टोर में आया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां धवल और नताशा का रिश्ता टूटने की कगार पर है। जी हाँ, सीरियल में दिखा ट्विस्ट, जहां नताशा लॉयर के पास होती है, वहीं धवल भी पहुंचता है, और फिर दोनों पहले तो काफी इमोशनल नजर आए, लेकिन बाद में नताशा काफी नाराज नजर आई। जहां नताशा ये कहती नजर आई कि मैं धवल के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे जल्द से जल्द सेपरेशन चाहिए, ये देखकर धवल भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद लॉयर कहती है कि मैं आपको हेयरिंग की डेट देती हूँ, हो सकता है कि फर्स्ट हेयरिंग पर सेपरेशन की परमिशन मिल जाए। वहीं लॉयर की बात सुनकर धवल और नताशा दोनों ही इमोशनल नजर आए। इसके साथ ही दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में दिखा ट्विस्ट, जब अमरीश के पास सुहानी के पापा आते हैं और अमरीश से कहते हैं कि मैंने धवल का स्टेटस देखा था, जिसमें धवल ने अपना स्टेटस सिंगल लिखा था। क्या धवल और नताशा सेपरेट हो रहे हैं? जिसे सुनकर अमरीश और अंबाजी होते हैं शॉक, लेकिन तभी सुहानी के पापा अमरीश से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सुहानी तुम्हारे घर की बहू बने। सुहानी के पापा की ये बात सुनकर अमरीश के चेहरे पर आ जाती है मुस्कान। वहीं ये सब बात वहां मौजूद नताशा की दामा सुनती है और वो होती है बेहद शॉक। अमरीश खुश होकर सुहानी के डैड से कहता है कि आप बाद में घर पर आइएगा, फिर हम आराम से बैठकर बात करते हैं। वहीं ये सब सुनकर अंबा और अमरीश को सुनाते हुए चीकू से कहती है कि वो जो दोषी है ना, जिनकी अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको शाम को घर पर खाने पर बुलाओ और उनको बोल दो कि उनके बेटे को भी साथ लेकर आए। वहीं दामा की बात सुनकर चीकू थोड़ा शॉक्ड होता है और धीरे से पूछता है कि कौन से दोषी और कौन सा अमेरिका, जिस पर दामा चीकू को इशारे में समझाते हैं, जिस पर चीकू दामा की हाँ में हाँ मिलाता है। वेल, यहाँ दामा की बात सुनकर अंबाजी दामा से कहती हैं, चाहे दोषी को बुलाओ या जोशी को, लगन तो पहले मेरे धवल का ही होगा। ये सुनकर अंबाजी भी हो जाते हैं शॉक। वेल, अब सीरियल में आए ट्विस्ट के बाद कहानी में आ गया कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा।